5 रुपए की इस चीज से बाल इतनी तेजी से लंबे घने होंगे कि बाल काटते काटते आप थक जाओगे। ग्रो हेयर सुपर फास्ट एटा रॉकेट स्पीड। जी हाँ दोस्तों, आज हम जो फॉर्मूला लेकर आए उससे आपके बालों की लंबाई रॉकेट की स्पीड की तरह बढ़ने लगेगी, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगेगी, आप काटते काटते थक जाओगे। जी हाँ दोस्तों, तो इस फॉर्मूले को किस तरीके से तैयार करना है जिससे आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ेगी, आपके बालों की डेंटिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपको एलोपेशिया की प्रॉब्लम है या आपकी स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो उन केसेस में ये नुस्खा आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। आप घर पर पड़ी चीज़ों से इस्तेमाल करके अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ा पाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, एक सेकेंड भी स्किप नहीं करना, वरना आप इस एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ ऑयल को नहीं बना पाओगे, वो भी घर पर ही। सबसे पहले सिर्फ एक आपको किराना स्टोर पर से दालचीनी को ले आना है, एक ही इस्तेमाल करना है, सिर्फ एक लार्ज आपको दालचीनी ले लेना है। पुराने जमाने में लोग दालचीनी का इस्तेमाल करके अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाते थे, या उनको स्केल्प में काफी खुजली आती थी या फंगल इन्फेक्शन होता था तब वो दालचीनी का इस्तेमाल करते थे। एक स्टडी में पाया गया है कि अगर आप दालचीनी का इस्तेमाल अपनी स्केल्प पर करते तो आपको इन फ्यूचर कभी भी एलोपेशिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको यहाँ पर एक दालचीनी को एक बाउल के अंदर ले लेना है। अब आपको 5 ग्राम के करीब क्लोव्स लेना है। जी हाँ दोस्तों, क्लोव्स यानी कि लौंग को ऐड करना है। लौंग क्या करेगी, आपके बाल समय से पहले जो सफ़ेद हो रहे थे उसको रोकेगी और आपके बालों को स्ट्रोंगर बनाएगी। बालों की हेल्थ के लिए क्लोव्स बहुत ही फायदेमंद होती है। तो 5 ग्राम के करीब आपको क्लोव्स को दालचीनी के अंदर ऐड कर देना है। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर 50 ग्राम के करीब ऑयल लेना है। कोकोनट हेयर ऑयल आपके लिए बेस्ट रहेगा। एक बर्नी के अंदर जो कांच की उसके अंदर इन सभी चीज़ों को ऐड करके आपको धूप में कम से कम 7 दिनों तक इसे रखे रखना है और उसके बाद आप इसको यूज़ में ले सकते हो। धीरे धीरे ऑयल का कलर चेंज होने लगेगा। जो दालचीनी है और क्लोव्स है इसका एक्सट्रैक्ट जो है ऑयल के अंदर मिक्स होने लगेगा, जिससे आपको बालों पर और स्केल्प पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो 7 दिनों बाद आप धूप में से इस ऑयल को निकाल लेना है। अब बात करेंगे किस तरीके से यूज़ करना है। आपको इसको ओवरनाइट के लिए ऑयल का यूज़ करना है, अपनी स्केल्प पर अच्छे से मसाज करना है और ओवरनाइट के लिए लगाए रखना है। इससे आपकी हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम दूर होगी, ड्राई डैमेज बाल रिपेयर होंगे और आपके बाल स्ट्रोंगर भी बनेंगे। दालचीनी से बना ऑयल को आप वीक में कम से कम 3 बार जरूर यूज करना बेस्ट रिजल्ट के लिए, जिससे अगर आपको इन फ्यूचर कभी DHT की प्रॉब्लम होगी, आपकी DHT बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये हेयर ऑयल बहुत ही फायदेमंद होगा और आपको रेसिडिंग हेयर लाइन्स में भी फायदेमंद होगा, यानी आपके बाल जो आगे की ओर से उड़ने लग गए वो भी कंट्रोल हो जाएंगे। तो अगर आपको बालों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है या स्केल्प पे काफ़ी फंगल इन्फेक्शन है तो उन केसेस में आप दालचीनी का इस्तेमाल करके और क्लोव्स का इस्तेमाल करके आप घर पर ही ऑयल को तैयार कर सकते हो। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।